जिले में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में किया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा, महिला अस्पताल की SIC डॉक्टर माला सिन्हा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कोविड-19 संक्रमण के बचाव के संबंध में चर्चा की गई तथा निजी चिकित्सालय में बेड उपलब्ध कराने के साथ ही लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी केविजयन पांडियन ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे संक्रमित मरीजों को भर्ती कर तुरंत इलाज की सुविधा दी जा सके। इसके लिए जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है कि कम से कम 50 बेड वाले निजी अस्पतालों को चिन्हित कर उसमें भी वार्ड बनाया जाए, जिससे कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज समय से किया जा सके। इसके अलावा एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की सुविधा तत्काल उपलब्ध कराया जाए और होम आइसोलेट मरीजों पर निगरानी रखी जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सभी विभाग आपसी सामंजस्य बनाकर कार्य करें। आर्यन हॉस्पिटल से बात हुई है, नर्सरी का पता है। आर्यन पिछले बार तो